आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से अब सांसद बन चुके हैं, उनका एक बयान वायरल हुआ था। उन्होंने इसमें कहा था कि कांवड़ यात्रा के लिए और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कई दिनों तक सड़कों को, अस्पतालों तक को जाम कर दिया जाता है, लेकिन 20 मिनट रोड के ऊपर नमाज पढ़ने से लोगों को आखिर तकलीफ क्या है। उनके तरफ से चंद्रशेखर आजाद का ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा था। इस मामले में नगीना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और चंद्रशेखर आजाद से चुनाव हारने वाले नैठौर के विधायक ओम कुमार ने प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद को अगर इतना ही ज़्यादा खुशी है तो इन लोगों को अपने आवास पर ले जाकर नमाज पढ़वाएं। ये आपको बता दें कि ओम कुमार का बयान आया था। साथ ही ओम कुमार ने यह भी कहा था कि जो जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया उनका काम भी नहीं होगा। इस तरीके के कई सारे आरोप है वो कुमार की तरफ से लगाए गए थे। इस मामले में भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने एक चैनल को दिए प्रतिक्रिया में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम अपने घर में नमाज पढ़वा लेंगे, हमारा दिल बड़ा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारा दिल छोटा नहीं है, मुझे तो खुशी होगी कि कोई मेरे घर पर चाहे आकर नमाज पढ़े या पूजा पाठ करे, मेरे घर के दरवाजे सभी के लिए खुले। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सभी को पूजा इबादत करने का अधिकार देता है और मेरे घर पर अगर आकर कोई करना चाहते हैं तो मैं उन्हें मना नहीं करूंगा, मेरा दिल बहुत बड़ा है और मेरे दिल के अंदर जगह है, ओम कुमार के दिल में जगह नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने ओम कुमार के उसी बयान पर यह तंज कसा था जिसमें ओम कुमार ने कहा था कि चंद्रशेखर आजाद उन्हें अपने घर ले जाकर नमाज पढ़वा सकते हैं। इस मामले के सामने आने के बाद अब बीजेपी और चंद्रशेखर आजाद के बीच नगीना में काफी ज्यादा तल्ख तेवर देखने को मिल रहा है।